हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, हम लोग यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन सीट। ठीक है कि अगर कोई सीट है, प्लेन सीट है जिस जो कि इनफाइनाइट सेपरेशन की है और उसको हम चार्ज कर दें, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। और बेसिकली बच्चों ये क्या है कि ये गॉस थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इसकी प्रूविंग को करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पे कि एक ये चार्ज शीट है। ठीक है, ये एक चार्ज शीट ऐसे मान लेते हैं कि ये एक ऐसी है। ठीक है, और इस चार्ज शीट को हम प्लस चार्ज देते हैं। इस शीट को हमने क्या किया, प्लस चार्ज दिया। कोई एक ऐसे सीट है, बहुत सीट का मतलब समझ रहे हो, बहुत थिन कोई प्लेट है, मतलब जिसकी थिकनेस बहुत कम है और इसका सेपरेशन क्या बताया गया है बच्चों, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेपरेशन का मतलब समझते हो, जैसे ये सपोज करो ये सीट ऐसे रखी है और ये इनफाइनाइट सेपरेशन, मतलब इधर भी इनफाइनाइट तक, अंदर भी इनफाइनाइट तक, ऊपर भी इनफाइनाइट तक, नीचे भी इनफाइनाइट तक, ऐसी कोई सीट है। सोचो इधर भी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। ऐसा इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसको ऐसे कह सकते हो फोटो ली गई है थोड़ा मतलब साइड करके, वरना होना ऐसे चाहिए था, बट ऐसे बनाए जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसे बनाई जाती है। और इस सीट पे ये इधर इधर सब इनफाइनाइट तक गए हैं और इस पे हमने क्या किया, एक चार्ज दे दिया। ठीक है, और चार्ज ऐसा दिया कि इस पूरी सीट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा हो गई। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, सिग्मा हो गई। सिग्मा पता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट एरिया। सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट एरिया। ठीक है, तो सिग्मा क्या है, यह है सरफेस चार्ज और डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम बच्चों सपोज कर लेते हैं कि इस सीट से, जैसे सीट रखी हुई है, इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां एक पॉइंट पी है। ठीक है, ये पी पॉइंट इसके काफी मतलब पास में होता है एक तरीके से, और हमको इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है बच्चों, कैलकुलेट करनी है। सिंपल सी बात है, इस पी पॉइंट के चारों तरफ हमको कुछ ऐसा एक सरफेस मानना पड़ेगा जिससे कि यहाँ का चार्ज इनक्लोज हो जाए, तभी हम गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पी पॉइंट के जस्ट अपोजिट में इधर एक और पॉइंट मान लेंगे पी डैश। इधर हमने एक और पॉइंट सपोज कर लिया, क्या, पी डैश। अब बच्चों हम क्या करते हैं, देखो होता क्या है, जैसे सीट ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है, इधर हमने P माना तो इधर हमने P डैश मान लिया, और इन दोनों पॉइंट को क्लोज करते हुए एक सरफेस पहले बनाएंगे। कैसा सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिस पर पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है और आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। ठीक है, कुछ ऐसा तरह से ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, और मान लिया कि जो गॉसियन सरफेस बनाया इसका एरिया, ये प्लेन सरफेस का एरिया क्या है, ए है, और ये कर्व सरफेस है। मतलब हमने क्या किया, पी और पी डैश पॉइंट को इनक्लोज करने के लिए सीट के इधर उधर से एक सिलेंडर ऐसे सपोज कर लिया। ठीक है, यहाँ एरिया ए है, यहाँ भी एरिया ए है सिलेंडर का, ये प्लेन सरफेस होंगे ना सिलेंडर का, सिलेंडर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा। अब बच्चों हमको पता है कि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड होती है, तो यहां पर प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बताओ, आउटवर्ड इधर, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस साइड। अच्छा बच्चों अगर हम बात करें इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर इधर जाएगा, यहां का एरिया वेक्टर इधर जाएगा, और ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है, ठीक है, तो ये ध्यान रख के ही बनाते हैं कि यहां पर हमको एक ऐसे सरफेस मिल जाने चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड
एरिया के परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन मिल जाए। भाई एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब लिखेंगे यहां पे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस तो फाइ बराबर हो जाएगा ई डॉट ए, यहां का फ्लक्स हो गया, प्लस ई डॉट ए, यहां का फ्लक्स हो गया, और प्लस जीरो। जीरो क्यों बच्चों? कर्ड सरफेस में जब भाई ये सिलेंड्रिकल है ऐसा, तो कर्ड सरफेस यहां पे होगा, तो इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा? इधर। यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई वन मान लो, वो इधर। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, इसीलिए कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। जो भी फ्लक्स पास होना है वो हमेशा किससे होगा? प्लेन सरफेस से होगा, ध्यान रखिए। इसीलिए फाई बराबर हो गया ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस जीरो डिग्री। यहां पे देखो ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल जीरो। यहां पे भी ई और ए सेम डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल जीरो, यानी कि प्लस ई ए कॉस जीरो डिग्री। तो फाई बराबर हो जाएगा 2EA, कितना हो गया 2EA। ठीक है, ये तो नेट फ्लक्स आ गया। अब हमको पता है फ्रॉम गॉस थ्योरम, भाई गॉस थ्योरम क्या कहता था याद करो, तो गॉस थ्योरम ये कहती थी कि नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सोचो इस सिलेंडर से कितना सरफेस इनक्लोज हुआ होगा सीट पर, तो ए एरिया ही तो इनक्लोज होगा, और ए एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो हमने बताया ना सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका मतलब यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है सिग्मा, तो यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा, तो ए एरिया पे कितना हो जाएगा ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये फाई की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 2EA, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2EA। सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सिग्मा अपॉन 2EA एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो आउटवर्ड होगी, ध्यान रखना, और अगर निगेटिव चार्ज होगी ये प्लेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनडिपेंडेंट फ्रॉम आर, मतलब सीट से कितनी डिस्टेंस पर यह पॉइंट लिया गया था, इस चीज से यह चीज क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनडिपेंडेंट होगी। लेकिन ध्यान रखना कि यह पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए, सीट के बहुत करीब होना चाहिए, तभी यह चीज फॉलो होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ई इज इनडिपेंडेंट फ्रॉम स्मॉल आर। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहां से हम लोगों ने समझ लिया है कि किसी इनफाइनाइट चार्ज सीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2EA। इस पर बेस्ड सीबीएसई बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो चलिए हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन ये है कि टू लार्ज चार्ज्ड प्लेन सीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज सिग्मा एंड माइनस टू सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर आर अरेंज्ड वर्टिकली विद अ सेपरेशन ऑफ स्मॉल डी बिटवीन देम, डिड्यूस एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स फर्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सीट, सेकेंड टू द राइट ऑफ द सेकेंड सीट एंड थर्ड बिटवीन द टू सीट्स। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो सीट ऐसे रखी हुई हैं, पहली सीट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, प्लस सिग्मा है, दूसरी सीट पे निगेटिव चार्ज है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा। हमसे कह रहे हैं P2 और P3 इन तीनों पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बतानी है बच्चों, क्योंकि उन्होंने कहा है ना पहले कि फर्स्ट सीट के लेफ्ट में मतलब P1 पे, दूसरा बोला है सेकेंड सीट के राइट में मतलब P2 पे, और उसके बाद बताया है कि इन दोनों सीट के बीच में मतलब P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बच्चों
सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा कि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई एक चार्ज शीट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? ये होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालो बच्चों, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, हर जगह क्या होती है? सेम। बट शर्त क्या है कि ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट सेपरेशन की होनी चाहिए, तब। तो इसके पास में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सेम होती है। जबकि इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हमको गिवन है स्मॉल डी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब जो पहली प्लेट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी वही यहां होगी, वही यहां होगी। तो पहली प्लेट की वजह से P1, P2, P3 पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। कितनी होगी सोचो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1, P2 एंड P3 और ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, पहली वाली प्लेट से कितनी होगी सोचो? तो ये होगी E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, और ये हर तरफ किधर होगी बच्चों? आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ। मतलब जैसे ये पॉइंट है, ये प्लस चार्ज है, तो यहां निकालना हो तो इधर बाहर, यहां निकालना हो तो इधर बाहर, यहां निकालना हो इधर बाहर, यहां इधर, ऐसा कुछ। मतलब जो पॉइंट हो उस प्लेट से दूर की तरफ, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1 कामा P2 एंड P3 ड्यू टू सेकेंड प्लेट। सेकेंड प्लेट से क्या होगा भाई? तो ये होगा E2 और ये क्या होगा? ये होगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्यों? देखो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? 2 सिग्मा है ना, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। मतलब E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और ये किधर होगी? ये होगी इनवर्ड, अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे यहाँ निकालना हो तो इनवर्ड, ऐसे यहाँ निकालना हो ऐसे। ठीक है, अच्छा, सो एट P1 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम सोचते हैं बच्चों, तो P1 पॉइंट पे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड, मतलब बाहर तरफ। तो E1 तो इधर आ जाएगी, देखो E2 किधर होगी? माइनस की वजह से इनवर्ड, तो ये E2 इधर हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से क्या हो गए बच्चों? देखो अपोजिट हो गई, यानी कि P1 पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये आ जाएगी E' बराबर या EP1 बराबर आ जाएगी E2 माइनस E1। क्यों? क्योंकि देखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो E1 आउटवर्ड होगी 1 की वजह से। 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इनवर्ड, अंदर की तरफ, इधर, तो E2 हो गई। अब दोनों अपोजिट हो गए। अब जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन रखते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है? वो आता है उनको घटाकर, मतलब E1 माइनस E2, है ना। तो ये हो जाएगा, यानी कि EP1 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा पान एप्साइलम 0 माइनस सिग्मा पान 2 एप्साइलम 0, या EP1 की वैल्यू आ गई सिग्मा पान 2 एप्साइलम 0। EP1 कितना आ गया? सिग्मा पान 2 एप्साइलम 0, ये EP1 आ गया। देखे, अब सोचो एट P2 अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सेकेंड पॉइंट में, उधर वाला। अब सोचो यहाँ पे, तो यहाँ प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड। देखो पहली प्लेट है प्लस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड, तो ये इधर होगी E1। ठीक, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर अंदर की तरफ, तो इधर होगी, ये होगी E2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कैसे आएगी बताओ जरा हमको बच्चों? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगा बच्चों? इनको आपस में घटा कर आएंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अपोजिट। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे कि EP2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 क्या आएगा? ये भी होगा E2 माइनस E1। ठीक है, घटा दो भैया, तो EP2 बराबर क्या आएगा?
E2 माइनस E1 है, तो कितना होगा, दोनों घटाएंगे जब तो कितना मिलेगा, तो भैया वही मिलेगा E2 की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, तो EP2 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये P2 पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर ये पूछा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होती जिधर बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जिस दोनों अपोजिट हैं, तो बड़ी कौन सी है E2, तो नेट इधर होगी, मतलब EP1 किधर होगा, टूवर्ड्स E2, ठीक है, EP1 हो गया। EP2 किधर होगा, EP2 डायरेक्शन टूवर्ड्स E2 की डायरेक्शन, मतलब अंदर की तरफ इधर की तरफ होगा, ये EP2 इधर होगा और EP1 की डायरेक्शन इधर होगी। अब देखो P3 पॉइंट पे क्या होगा, सोचो बच्चों, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगती है, आउटवर्ड, तो ये इधर लगेगा, ये होगा E1। माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ, तो ये इधर लगेगा, ये होगा E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P3 पे क्या आएगी, सोचो, E1 प्लस E2 यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P3, तो वहां पे क्या होगा, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है, उनको जोड़ कर आता है, क्यों, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, तो E1 प्लस E2, ये EP3 आ गई। EP3 क्या आएगा, E1 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, देखो E2 वैल्यू ये आई थी ना, क्यों नहीं आया था, वैल्यू यहाँ रख दिया है। EP3 कितना आएगा बताओ, दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 विल बी 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये P1 P2 और P3 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। अच्छा, यहाँ की जो रिजल्टेंट आई वो किधर आएगी, वो तो इधर ही आ जाएगी दोनों के डायरेक्शन में, इसका मतलब जो EP3 आएगा वो भी इधर ही होगा निगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, इन्फाइनाइट सेपरेशन की अगर कोई सेट चार्ज है तो उस पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू इन्फाइनाइटली लार्ज प्लेन्स थिन पैरेलल सीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज σ1 एंड σ2, σ1 इज ग्रेटर देन σ2 आर सोन इन द फिगर, राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड्स इन द रीजन मार्क्ड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो जैसा कि बच्चों एक क्वेश्चन में हमको दिखाया गया है कि दो इनफाइनाइट लार्ज सेपरेशन के सीट्स हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे सामने ऐसे पैरेलल रखे हुए हैं बच्चों, ये समझो ये पैरेलल ऐसे रखे हुए, ठीक है, और इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो σ1 और σ2 है, और हमको ये क्वेश्चन दे रखा है कि जो σ1 है वो ग्रेटर है σ2 से, ये पहली बात हो गई, ठीक है, मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहली सीट पे है वो ज्यादा है और दूसरी सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। हमसे पूछा जा रहा फर्स्ट रीजन मतलब यहां पे, सेकेंड रीजन मतलब इनके बीच में, और थर्ड रीजन ये मतलब इनके बाहर, इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ठीक है, हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, वही फर्स्ट रीजन है का पॉइंट ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम थर्ड पॉइंट कह देते हैं, इन तीनों जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं। वैसे क्वेश्चन में तो उन्होंने सेकेंड और थर्ड भी एक बार पूछा था, बट हम तो तीनों फाइंड कर लेंगे, क्या करना भाई, ऐसा है हमको ये पता है कि अगर कोई चार सीट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस सीट की वजह से किसी पॉइंट पर इसके पास में अगर कोई पॉइंट है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, नहीं, तो भाई डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी ना हो तो ये ई जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब चाहे यहाँ की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, यहाँ की बात करो तो भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ की बात करो तो भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इधर भी हर जगह,
समझ रहे हो? मतलब कहने का ये है कि पहली सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी वही यहां होगी वही यहां होगी, ठीक है? और कितनी होगी? वो होगी इसका जो सिग्मा है यानी सिग्मा वन अपान टू एप्सिलॉन जीरो। ऐसे दूसरी सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां वही यहां वही यहां, वो कितनी होगी? सिग्मा टू अपान टू एप्सिलॉन जीरो। तो पहले तो हम लिख देते हैं, यही बात लिखेंगे यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट सीट, पहली सीट की वजह से, ठीक है? अच्छा, ये पहली सीट है और ये दूसरी सीट, ऐसा मान चलो, ठीक है? तो पहली सीट की वजह से क्या होगी भैया? E1 बराबर सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0। और ये कहां होगी? ये होगी एट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों पॉइंट पे ही होगी, अलग अलग नहीं होनी, यही रहेगी, ठीक है? ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड सीट, ये कितनी होगी सोचो? सिग्मा टू वाले की वजह से ये होगी E2 बराबर सिग्मा टू अपान टू एप्सिलॉन जीरो। ये कहां कहां? एट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों पॉइंट पे होगी। अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले तो हम डायरेक्शन देखेंगे भाई। हमको पता है प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती, बाहर तरफ, जैसे मतलब ये प्लस है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इधर, यहां निकालनी हो तो इधर, बाहर, यहां निकालनी हो तो इसके बाहर इधर, समझ रहे हो? मतलब प्लस चार्ज की जो प्लेट रखी हुई है ऐसे है, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इधर। तो E1 तो इधर होगी भैया, E1 क्या होगी? इधर होगी यहां, इसकी वजह से यहां E1 किधर होगा सोचो? इधर। हम केवल E1 की बात करें, इसकी वजह से यहां E1 किधर होगा? इधर, ये E1 आ गई, ठीक है? अब E2 की बात करो, तो भाई इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तो ये अगर सीट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या होगी? आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब इस तरफ, तो ये E2 इधर होगी। इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आउटवर्ड, इसकी इस तरफ आउटवर्ड होगा तो इधर होगी E2। इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड, इधर ये होगी E2। समझ गए? तो यहां पर लिखेंगे क्या? एट पॉइंट फर्स्ट, पहले पॉइंट पे देखो, E1 E2 दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। अब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बताओ? उन दोनों को जोड़ के निकालते हैं, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। जब दो एंगल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट उनको ऐड करके निकालते हैं। तो ये E बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2, तो कितना आ जाएगा? E1 प्लस E2, ठीक है? तो ये मैग्नीट्यूड में भी जुड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। अगर 0 ना होता तो हम लगाते फार्मूला E नेट इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा पूरे का रूट, बट थीटा 0 होने पे हमको पता है स्पेशल केस है, तो दोनों को जोड़ के आंसर निकलता है, मैग्नीट्यूड निकलता है। तो E जो आएगा फर्स्ट सरफेस पॉइंट पे, वो क्या आएगा? E1 सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। देखो E1 E2 दोनों की वैल्यू यहां से पुट कर दिया, तो E फर्स्ट कितना आ जाएगा बताओ? यह आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है भाई? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अलग कर लिया, 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 कर लिया, ठीक है? अब ऐसे ही सेकेंड पॉइंट पर क्या आएगा बताओ? एट पॉइंट सेकेंड, वहां पे क्या आएगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या आएगी बताओ? एक इधर एक इधर, दोनों अपोजिट, अपोजिट मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है? उनको घटा कर आता है, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब जो यहां पे E सेकेंड आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा E1 माइनस E2। अब आपके मन में आएगा E1 माइनस E2 क्यों है? क्योंकि उन्होंने दे रखा है ना कि सिग्मा 1 बड़ा है,
और जब सिग्मा वन बड़ा है तो ई वन बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात, क्योंकि यह सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, यह सिग्मा टू अपॉन, और ये बड़ा है सिग्मा वन, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वन वाले की बड़ी होगी। तो बड़े में छोटे को घटाएंगे तो ये ई नेट निकलेगा, इधर निकलेगा ई सेकेंड, किधर, बड़े वाले के डायरेक्शन। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट किधर जाता है, जो बड़ा होता है उसकी डायरेक्शन, तो इधर जा रहा ई वन, और ई वन ही बड़ा है तो नेट वाला भी इधर ही जाएगा। इसका मतलब जो ई सेकेंड आएगा वो किधर जाएगा, ई वन के डायरेक्शन जाएगा। तो ई सेकेंड की वैल्यू क्या आएगी बताओ, सिग्मा वन अपान टू एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा टू अपान टू एप्सिलॉन जीरो। तो ई सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू वन अपान टू एप्सिलॉन जीरो, ये ई सेकेंड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये ई सेकेंड आ जाएगा। अब हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट पे, तो फिर लिख देंगे एट पॉइंट थर्ड, एट पॉइंट थर्ड, थर्ड पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, फिर E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, फिर जुड़ जाएंगे क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा। अब रिजल्टेंट निकालना बहुत सिंपल, तो क्या आएगा बच्चों, तो वैल्यू रख दो E1 और E2 की, E1 क्या है सिग्मा वन अपान टू एप्सिलॉन जीरो, E2 क्या है सिग्मा टू, वैल्यू पुट कर दो फटाफट, सिग्मा वन अपान टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा टू अपान टू एप्सिलॉन जीरो, ई थर्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू वन अपान टू एप्सिलॉन जीरो, क्या आ जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू वन अपान टू एप्सिलॉन जीरो। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों,